प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब से ये औषधि केंद्र खुला है तब से स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा हो रही है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो दवाई बाजार में इतनी महंगी है वो यहाँ बेहद कम कीमत पर मिल जाती है। यहाँ दवाई जो है जो रेट है बाजार के भाव से यहाँ 70% कम और फायदा ही देती है तभी आते हैं। अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए मीडियम क्लास के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई, आदमी अपना इलाज करा सकता है। इस सरकार ने जितने काम किए आज तक किसी सरकार ने इतने अच्छे कार्य नहीं किए। जैसे डॉक्टर साहब के पास आता हूँ ना दवाई लेने वाला, तो मैं यहीं से लेता हूँ दवाई, अंदर से यहाँ से फटक आई माधुम लुट रहे थे यहाँ याद से मिल गई दवाई, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। उमेश नरूला इस औषधि केंद्र के संचालक हैं। सरकार की योजना का जनता को क्या लाभ मिल रहा है और इस योजना के बारे में उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। इसका फायदा ये है कि एक तो एक तरफ से ही माल आ रहा है सीधा लखनऊ से, मतलब ना यहाँ बार बार जाना पड़ता है, और एक 80% रेट डाउन है, ग्राहक अपने आप आता है। पहले तो इनके ही पेशेंट आते थे, अब सारे शहर के पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट के, शुगर के, बीपी के तो स्पेशल आ रहे हैं। इसमें रोजगार भी बहुत मिला और फायदा भी बहुत मिला है, बहुत फायदा मिला है लोगों को। सरकार ने तो बस इस योजना ऐसा चलाया, मतलब बहुत गरीब आदमी जो दवाई नहीं खा सकता था वो दवाई खाता है। सहारनपुर में लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने से संतुष्ट हैं। उनके लिए ये केंद्र फायदेमंद साबित हो रहा है। इसको मैंने पेपर में पढ़ा था और उसके बारे में टीवी पर भी मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री की जन औषधि परियोजना आ चुकी है, तो मैंने इसको सर्च किया तो मुझे यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर मिला आज। तो मुझे एक दवाई लेनी थी तो मैंने इनसे पता किया यहाँ पर आकर के कि दवाई आपके पास है, तो मुझे लगभग 80% का बेनिफिट हुआ और मुझे बहुत सस्ते में यहाँ पर दवाई मिल गई। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अब तक की मुझे सबसे अच्छी योजना लगी है प्रधानमंत्री जी की। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। यहाँ मिलने वाली दवाओं की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता, वहीं इन दवाओं के लिए लोगों को ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता।